हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको अध्याय दो वर्ण विचार के बारे में बताएंगे, समझाएंगे कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के हम कोई टुकड़ा और नहीं कर सकते। आ जैसे देखिए, आ ई का खा रा इत्यादि। वर्णमाला, वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। अब स्वर को देखिए, स्वर क्या है? जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, स्वर में हमें किसी ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से 11 स्वर होते हैं? अ आ इ ई ओ उ रिस रि ए ऐ ओ औ। स्वरों के भेद, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के तीन भेद होते हैं। वो तीन भेद कौन से हैं स्वरों के? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व का अर्थ है लघु अथवा छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कुल चार हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? चार। आ ई उ रि। दीर्घ स्वर, दीर्घ का अर्थ है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें धीर स्वर कहते हैं। ये कुल सात हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये हमारे धीर स्वर हैं। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, इनका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग किसमें किया जाता है? संस्कृत भाषा में किया जाता है। जैसे ओम, यहाँ ई प्लुत का चिन्ह है। अब देखिए ओम, ओ, तो ये इसमें क्या हमें अधिक समय लग रहा है? तो ये हमारी क्या है? प्लुत स्वर है। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे का खा गा घा अणा, कावर। चा छा जा झा रा चा बर। ता ठा डा ढा अणा टावर। इसी तरह से आप ये शब्द हैं, तो इसको हम जैसे आप कचट तपाया, इस तरह से हम आपको लिखेंगे कावर चावर टावर तावर पावर या रा ला वा। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और सा 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 हा ऊष्म व्यंजन है। छा छा छत्र तृतसूल ज्ञा ज्ञानी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आगत वर्ग है हमारे जा फा आ। व्यंजन के भेद,
व्यंजन के भेदों के बारे में देखिए, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के प्रकार या भेद एक ही चीज है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं। व्यंजन के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब इनको हम आपको समझाएंगे। स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श यानी कि छूना, किसी चीज को स्पर्श करना, छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु अज्वा मुख के भाव को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कू से लेके मा तक 25 स्पर्श व्यंजन है। का वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है, चा वर्ग का उच्चारण स्थल तालु है, टा वर्ग का उच्चारण स्थल मूर्धा है, ता वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है, पा वर्ग का उच्चारण स्थल होठ है। अंतस्थ व्यंजन मध्य बीच स्थित, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये चार होते हैं अंतस्थ, क्या कितने होते हैं, चार। कौन कौन से चार होते हैं याद रखिए, या रा ला वा, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म गर्म, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु मुख में रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी कि उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, चार ऊष्म व्यंजन है हमारे, सा 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 हा, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। अब आप मात्राओं के बारे में जानेंगे। मात्राएं स्वर के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। आ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। आ के अतिरिक्त, छोटे आ के अतिरिक्त अलावा स्वरों की मात्रा चिन्ह, अतिरिक्त मात्रा चिन्ह भी होते हैं। आ नहीं, आ को हम मात्रा नहीं मानेंगे, छोटे आ को, आ मात्रा नहीं, बड़ा आ, ई, ई, ओ, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, ये इनकी मात्रा है। आगे आप देखिए, अब जानिए, आप देखेंगे अनुस्वार और विसर्ग क्या है, अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुस्वार तथा विसर्ग को आ के साथ जोड़कर अंग और आह लिखा जाता है। उच्चारण स्वर में के साथ लिखा जाता है और प्राय इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के साथ होता है, जैसे गंगा, चंदा, प्रातः, अतः आदि। परंतु ये स्वर नहीं है, संस्कृत में इन्हें अयोग्य बाह कहा जाता है, क्योंकि ये आ की सहायता से ही बोले जाते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक क्या है, इसका उच्चारण नाक गले दोनों से होता है। अनुनासक का प्रयोग किससे होता, कैसे होता है, नाक उच्च, जब हम उच्चारण करते हैं तो नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, गांधी, आंगन आदि, इनका चिन्ह ये है होता है। अनुस्वार वर्णमाला के पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग में आता है। विसर्ग, विसर्ग यानी कि विसर्ग लगाते हैं तो हम कहते हैं विसर्ग लगाइए, यानी कि पीछे दो बिंदी लगाते हैं, ये हा के समान उच्चारित है, दो बिंदी है उसको हा के समान उच्चारित करते हैं, जैसे चांद, श्वास, हंस आदि। अनुस्वार अनुनासक के उच्चारण में यदि ध्यान में रखा जाए तो हंस क्रिया शब्द हंस पक्षी बन जाएगा।
हलंत, हलंत क्या है? जब व्यंजन वर्ण स्वरों के बिना लिखे जाते हैं तो हलंत का प्रयोग होता है। जैसे का, का पे हमने नीचे हलंत लगाया हुआ है, चा, चा पे नीचे हलंत है, टा पे हलंत है, आदि। अर्धचंद्र, अर्धचंद्र क्या है? यह विदेशी ध्वनि जिसे आगत नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिसर, कॉलोनी, कॉपी आदि। वर्ण संयोग, वर्ण संयोग क्या है? वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। क्षत्रिय, त्रतसूर या संयुक्त वर्ण है, जो कि का प्लस, प्लस को हम धन का निशान भी कहते हैं, का प्लस सा बराबर क्षत्रिय, ता प्लस रा बराबर त्र, जा प्लस आ बराबर ग्या बनते हैं। ये शब्द जो है इस तरह से बनते हैं। जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे पक्का, का, धन का, धन्यवाद।